भोपाल में एनएसयूआई ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पुतला फूंका और गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की है। एनएसयूआई का कहना है कि सारंग का स्टाफ पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दिलवा रहा है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की है। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री विश्वास सारंग का स्टाफ पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दिलवा रहा है, मेडिकल के छात्र परेशान हो रहे हैं, ना तो समय पर परीक्षा हो रही है और ना ही समय पर रिजल्ट मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, विश्वास सारंग अपने विभाग की ओर ध्यान नहीं दे रहे और देश दुनिया की बात करते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग बदहाल हो रहा है, नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, मंत्री विश्वास सारंग अपने विभाग पर कब ध्यान देंगे। देखिए, आज मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लत्तर हो चुकी है। मेडिकल विश्वविद्यालय की हालत बदहाल हो चुकी है। पिछले 3 सालों से लगातार नर्सिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार चल रहा है। वही नहीं, मेडिकल छात्र छात्राएं लगातार परेशान है। उनकी 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही है, ना समय पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है, ना ही समय पर परीक्षा करवाई जाती है। आखिर 3 साल तक किस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता आज दिनांक तक बांटी जा रही है विश्वास सारंग द्वारा। विश्वास सारंग के यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी महेन गुप्ता द्वारा फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने के लिए लेनदेन खुलेआम किया जा रहा है, जो कि स्पष्ट है। अगर पुलिस विभाग उनकी जांच करता है और पूरे मामले का खुलासा होता तो उनकी CDR से स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन कॉलेज वालों द्वारा कितनी कितनी मोटी रकम फर्जी कॉलेजों को मान्यता पाने के लिए दी गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।